ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश पहला भाग। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषि गणों की सृष्टि तथा चारों वर्णों एवं तिर्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे उन सबका मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभुव थे, उनके बाद क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये छह मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह सातवां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभूव मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तर्षियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतर के अधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का स्पष्ट स्पष्ट वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुष्यत गण देवता थे, महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे, ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, बात, प्रसव, निरय और परिवान ये उस समय सप्तर्षि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का वर्णन सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती ये पांच बारह बारह देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के सात पुत्र सप्तर्षि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये चार देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27-27 देवगण थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तर्षि गण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, प्रथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, मनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तर्षि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानु जंघ आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्य अधिकारी थे। हे मैत्रेय, पांचवें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14-14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदर्षी, उधर्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये सात सप्तर्षि गण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बल बंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत ये चार मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन चार मनवंतर के स्वामियों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, प्रथुक और लेख ये पांच प्रकार के देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये सात सप्तर्षि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधुम्न आदि राज्य अधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस सातवें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं।
हे महामुनि, इस मन्वंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये सात सप्तर्षि हैं तथा वैवस्वत मनु के इश्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और ऋषद्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध धर्मात्मा नौ पुत्र हैं। समस्त मन्वंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभूव मन्वंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उन विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारुचिष मन्वंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजीत ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मन्वंतर में वे तुषित देव ही देव श्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मन्वंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देव श्रेष्ठ हरि ब्रावत मन्वंतर में तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मन्वंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मन्वंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज इस वैवस्वत मन्वंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपने तीन नगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार सातों मन्वंतरों में भगवान की ये सात मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनु पुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्र गण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्र, आपने यह सात अतीत मन्वंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मन्वंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी तीन संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन ना कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर, एक और मनु तथा तप्ती ये तीन संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को श्राप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्व रूप होकर उससे दो अश्विनी कुमार और रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमि यंत्र पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अखंडित तेज का केवल अष्टम अंश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शिव जी का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं,
वह अपने अग्रज मनु का स्मरण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णी नामक आठवें मन्वंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सप्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तर्षि भी बताता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र, अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और सातवें ऋषि श्रृंग ये सप्तर्षि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र बिरजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, नवे मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचि गर्भ और सुधर्मा नामक तीन देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हेद्विज उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्वितीमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सातवे सत्य ये उस समय के सप्तर्षि होंगे तथा धृतकेतु, तीक्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और ऋतुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, दसवें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100-100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तर्षि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्य केतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तम मौजा और भूरिशेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तर्षियों के नाम निस्वर, अग्नि तेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणी, हविष्मान और अनग हैं तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानी आदि पुत्र उस समय के राज्यधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हेद्विज उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुत्पा, तमोमूर्ति, तपोरति, तपोध्रति, तपोध्विति तथा तपोधन ये 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मन्वंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मन्वंतर के चित्रसेन और विचित्र आदि मनु पुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, ब्राजिक और वाचावृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तर्षियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निद्र, युक्त और जित ये सप्तर्षि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे।
प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तर्षिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मन्वंतर के अंत तक तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मन्वंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तर्षि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मन्वंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मन्वंतरों के बीत जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है, उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलय कालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मनु, मनुपुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तर्षि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रे, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूत आत्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेदव्यास रूप धारण कर एक वेद के चार विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं, वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मन्वंतरों और मन्वंतर अधिकारियों का वर्णन कर दिया, कहो अब और क्या सुनाऊं? श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवन, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवन, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जिस मन्वंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मन्वंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षि ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के चार चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी
और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवे में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और दसवें के त्रिधामा कहे जाते हैं। ग्यारहवें में त्रिशिक, बारहवें में भरद्वाज, तेरहवें में अंतरिक्ष और चौदहवें में वर्णी नामक व्यास हुए। पंद्रहवें में त्रयारूण, सोलहवें में धनंजय, सत्रहवें में क्रतुंजय और तदनंतर अठारहवें में जय नामक व्यास हुए। फिर उन्नीसवें व्यास भारद्वाज हुए, भारद्वाज के बाद गौतम हुए और गौतम के बाद जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के बाद वाजिश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके बाद सोम सृष्णुवंशी तेईसवे वेद व्यास कहलाए। उनके बाद भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे बाद जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के बाद आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बृहत और व्यापक है, इसीलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्मा में ही स्थित हैं, तथा प्रणव ही ऋग, यजु, साम और अथर्व रूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व से भी परम सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शमदनशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है, जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है, उस ओंकार रूप ब्रह्मा को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्मा अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से तीन भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा ऋग्मय, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग, यजु, साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों की आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग्वेद आदि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद, ऋग, यजु आदि चार पादों से युक्त और 100,000 मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस चार पदों वाले एक ही वेद के चार भाग किए। परम बुद्धिमान वेदव्यास जी ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेदव्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चारों युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ चार ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने
पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण को विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने चार विभाग किए और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अध्वर्यों के, ऋग से होता के, साम से उद्गाता के तथा अथर्व वेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋग तथा यजुर् श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से साम वेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्म तत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के चार विभाग कर दिए, फिर विभक्त हुआ उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के दो विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के चार भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन चारों प्रति शाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, अग्निमारक, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रति शाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुके को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उनको पांच अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने पांच शिष्यों को पढ़ाया। उनके जो पांच शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा पांचवे महामति शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने तीन वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की प्रति शाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, बाष्कल ने और भी तीन संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गागर्य तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे बहव्रज कहलाए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित ना होगा उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियुक्त किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार ना करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवन, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, ओरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है।
लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे महामुनि, याज्ञवल्क्य जी ने रक्त से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तितर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तरीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रत आचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाधवरियों हुए। तदनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋग यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं, उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला काष्ठा निमेश आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप विष्णु में श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधा रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं, उन तृप्ति रूप सूर्य देव को नमस्कार है, जो हिम जल और गर्मी के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्मादि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं, उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं, उन सत्व मूर्ति धारी विवस्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता, उन भास्कर देव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्म अनुष्ठान के योग्य होता है, उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है, भगवान सविता सूर्य भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है, देवता आदि समस्त भूतों के आदि भूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजो में रथ है प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदों में अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं, उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजु श्रुतियों का उपदेश दीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी नहीं जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयातयाम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्व रूप हो गए थे। हे महाभाग, उन वाजी श्रुतियों की कानवादी 15 शाखाएं हैं, वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई कही जाती हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1000 शाखा भेद किए और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौसल्य हिरण्यराव तथा पौष्पीजी नामक दो महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच्य सामुक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामुक कहते हैं। पौष्पीजी के शिष्य लोकाक्षी नौधमी कक्षिवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया।
महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समूह का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजो में सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके दो भाग कर उन्हें देवदर्श और प्रथ्य नामक शिष्यों को दिया। हे द्विजोत्तम, देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्पल थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमुदादी और शौनक नामक तीन शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के दो विभाग करके उनमें से एक वभ्रु को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजीकेश ने अपनी संहिता के पहले दो और फिर तीन, इस प्रकार पांच विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प, उनके रचे हुए ये पांच विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदनंतर व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामति व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसुपायन, अकृत व्रण और सावर्णी ये छह शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृत व्रण, सावर्णी और शांसुपायन ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं का आधार एक सूत जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बताते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा वैष्णव पुराण, चौथा शैव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारदीय पुराण और सातवा मार्कंडेय है। इसी प्रकार आठवां आग्नेय पुराण, नवा भविष्यत पुराण, दसवां ब्रह्म वैवर्त पुराण और ग्यारहवां लिंग पुराण कहा जाता है, तथा बारहवां वाराह पुराण, तेरहवां स्कंद पुराण, चौदहवां वामन पुराण, पंद्रहवां कूर्म पुराण तथा इनके पश्चात मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। हे मुनि, यही 18 महापुराण है। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उप पुराण बताए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल भगवान विष्णु का ही वर्णन किया गया है। छह वेदांग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, यही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के तीन भेद हैं, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखा, शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम,
एक अंगुल का आठवां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जाति स्वर मुनि ने बताया था कि ये सब बातें इसी प्रकार ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उनमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उनसे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उन द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बताई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो तुम बात मुझसे पूछते हो वही मैंने उन कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उन्होंने उन मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्वर ब्राह्मण ने यम और उसके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कलिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना क्योंकि मैं वैष्णव से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार स्वर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नाना कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण शोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घी की आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाश हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, आप वह मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने मित्रों और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तिनके के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहां तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहां मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज का ताप कभी नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त प्रशांत शुद्ध चरित्र समस्त जीवों का प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय
निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व अभिमान और ईर्ष्या का भाव नहीं है उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड़ग शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है उस अशुभ दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और ना उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम मित्र बंधु बांधव स्त्री पुत्र कन्या पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है उस पापचारी को भगवान का भक्त ना समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बंधता जाता है वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बलवीर नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो वैकुंठ लोक का पात्र है। कलिंग बोला, हे गुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा, मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उन महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृतांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है मैंने ज्योगात्यो तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है उसका यम यमदूत यमपाश यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं कर सकते। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश पहला भाग समाप्त।